आजकल घुटनों की दिक्कत, घुटनों में दर्द की दिक्कत आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। सो बेसिकली घुटनों का दर्द क्यों होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती। उम्र के साथ जैसे मरीज घुटने की हड्डी के ऊपर ये कार्टिलेज होता है, ऊपर और नीचे वाली हड्डी के ऊपर, तो ये कार्टिलेज उम्र के साथ घिसना शुरू कर देता है और हड्डी आपस में रगड़ खाती है जो जहाँ से कार्टिलेज घिस चुका होता है। तो पेशेंट को घुटना हिलाने में, चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, चौकड़ी मार के बैठने में दर्द महसूस होता है। जब बीमारी की शुरुआत हो रही होती है तो मरीजों को थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोला जाता है कि जैसे अपना वजन कम करें, सीढ़ियाँ कम चढ़ें उतरें और वेस्टर्न टाइप के टॉयलेट यूज़ करें। और कुछ एक मरीज़ को दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे उनका दर्द में आराम मिल जाए। और जब पे मरीज को दर्द में आराम मिल जाता तो उनको हमारे फिजियोथेरेपिस्ट कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिससे मसल जो मजबूत, जो कमज़ोर मसल है वो पाँव की थोड़ी सी मजबूत हो। अगर इन सब के बावजूद भी दर्द बना रहता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, रात को नींद नहीं आ पाती दर्द के कारण, और बेड से टॉयलेट तक जाने में भी बहुत समस्या होती है मरीज़ को, तो उस स्थिति में मरीज़ का पूरा एक्सरे किए जाते हैं, खून की जांच की जाती है, उसका हार्ट का टेस्ट किया जाता है और सब रिपोर्टें अगर ठीक आती हैं और हम एनेस्थीसिया के डॉक्टर और जनरल फिजिशियन पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद अगर देख बताते हैं कि मरीज़ की हालत अच्छी है, वो पेशेंट सहन करने लायक हालत है, तो मरीज़ को घुटना बदलने के ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। इस ऑपरेशन में हम, ये एक आर्टिफिशियल घुटने का मॉडल है, इस ऑपरेशन में हम जो जो कार्टिलेज घिसा हुआ है उसकी सफाई करके ऊपर और नीचे शेप का बना लेते हैं और ये आर्टिफिशियल जॉइंट का एक ऐसी सीमेंट, स्पेशल बोन सीमेंट के मदद से इस पर फिट की जाती है और ये नीचे फिट की जाती है, ये भी बोन सीमेंट की मदद से, और उनके बीच में एक स्पेसर डाला जाता है और जोड़ को रिड्यूस किया जाता है। सो ये एक नया जोड़ बन जाता है। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को 2 से 3 दिन के लिए आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है और जब मरीज़ की हालत में सुधार आता है तो उसको मरीज़ को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और अमूमन 2 से 3 दिन बाद मरीज़ चलने फिरने लायक हो जाता है और 3-4 दिन में मरीज़ टॉयलेट तक जा सकता है। और ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन से बचने के लिए मरीजों को हिदायत दी जाती है कि रिश्तेदार कम से कम मिले और सफाई का ध्यान रखा जाए, और हफ्ते के बाद मरीज़ को घर भेज दिया जाता है और 2 हफ्ते के बाद टैक्के खोले जाते हैं और महीने के बाद मरीज बिल्कुल नॉर्मल चलने लायक हो जाता है और उसके बाद घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोई पेन किलर मेडिसिन नहीं खानी पड़ती और कितना भी मरीज चल फिर सकता है। आजकल थोड़ा स्पेशल किस्म के जॉइंट भी हैं अवेलेबल हैं जिससे पूरी मूवमेंट आती है और मरीज चौकड़ी मारकर भी बैठ सकता है। तो पर इन सब ऑपरेशन करवाने के लिए मरीज की जनरल कंडीशन का ठीक होना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हिदायत दी जाती है कि ऑपरेशन अगर घुटनों में दर्द है और एक्सरे में काफ़ी खराबी आ रही है तो ऑपरेशन को ज़्यादा डिले करने में कोई खास फायदा नहीं होता और ऑपरेशन जितना जल्दी से जल्दी करवाया जाए ताकि मरीज़ की जनरल हालत और ख़राब ना हो, क्योंकि जितनी भी पेन किलर दवाइयाँ लेते हैं वो किसी को लीवर को, किडनी को, हार्ट को किसी तरीके से ख़राब करती हैं और मरीज़ को ऑपरेशन के बाद ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो अगर ऑपरेशन करवाने का मन में आती है तो इसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। एक्सरे है जिसमें ये घुटनों का नया जोड़ डाला गया है, बेसिकली ये इस किस्म का होता है, जो ऊपर वाला कंपोनेंट है इसको फिब्रल कंपोनेंट बोलते हैं
और ये क्रोमियम कोबाल्ट मटेरियल का बना होता है, और नीचे वाली ये टिबिया ट्रे है ये भी क्रोमियम कोबाल्ट मटेरियल की बनी होती है, और उनके पीछे एक पॉलीथाइलिन स्पेसर होता है, ये हाईली ऑक्सीडाइज पॉलीथाइलिन होता है, और ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म नी ज्वाइंट है जिसमें पॉलीथीन टिबिया प्लेट के ऊपर घूमता है, ये कंप्लीट नी ज्वाइंट का मॉडल है। मैं आपको पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन के बारे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हम टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद शुरू करते हैं। हम सेकेंड डे से ही टोटल नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स के लिए फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल हम शुरू कर लेते हैं। उसके लिए हम स्पेशल प्रोटोकॉल बनाते हैं जिसमें हम सेकेंड डे मसल्स की थोड़ा आइसोमेट्रिकली वर्क करते हैं, लाइक स्टैटिकली वर्क करते हैं, डायनामिकली हम फर्स्ट डे से वर्क नहीं करते। सेकेंड टू आफ्टर थर्ड डे मतलब हम उसकी मूवमेंट और रेंज ऑफ मोशन के ऊपर फोकस करते हैं, लाइक कि हम मुड़वाना शुरू करवा देते हैं 10-15 डिग्री से 20 डिग्री तक, थर्ड टू फोर्थ डे तक हम मुड़वा देते हैं। हमारा टारगेट रहता है, हम एक टारगेट जोन में वर्क कर रहे हैं ताकि सेवन डे पे हमने एक वीक में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, 14 वीक मतलब 14 डेज के बाद हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, 3 वीक्स के बाद क्या टारगेट होना चाहिए, 4 वीक्स के बाद क्या टारगेट होना चाहिए, तो हम टारगेट भी वर्क करते हैं। लाइक हम लोगों का टारगेट रहता है कि आप बिफोर डिस्चार्ज हम 90 डिग्री मूवमेंट पेशेंट की 90 डिग्री मूवमेंट करवा के ही डिस्चार्ज करवाते हैं, मतलब 7 डेज पे हमारा मूवमेंट का टारगेट रहता है 90 डिग्रीज। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लोली हम 15 डेज ये 15 डेज तक हम वो 90 डिग्री मेंटेन करते हैं, और उस रेंज में मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि अगर हमने मूवमेंट करवा दी अगर हमारी मसल्स की इतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं है तो वो उस मूवमेंट को पेशेंट मतलब होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो हम पहले उस मूवमेंट को गेन करके फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस करते हैं, आसपास के एरिया की पूरी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम अलग से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। पहले शुरू में हमने आइसोमेट्रिकली काम किया है, फिर हम आइसोटोनिकली वर्क करते हैं मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग जो मसल्स होती हैं उसके ऊपर मेनली हम फोकस करते हैं। फिर उसके बाद हमारा टारगेट रहता है कि 15 डेज में 90 डिग्री हमारा 90 डिग्री विद स्ट्रेंथनिंग फुलफिल हो जाए। फिर उसके बाद हम 100, 110, 120 मतलब 125 डिग्री तक हम पेशेंट को करने के फिजियोथेरेपी के बाद रेंज ऑफ मोशन पहुंचने के बाद ही हम फ्री करते हैं। फिर उसके बाद हम 15 डेज के बाद हमें सीढ़ियाँ चढ़ाने, पेशेंट को सीढ़ियाँ किस तरह चढ़ाते हैं सब कुछ हम नॉर्मल वॉकिंग करवाना, थर्ड डे में हम वॉकिंग भी करवाना शुरू कर देते हैं पेशेंट की वॉकर के साथ विद पार्शल वेट बेयरिंग देन फुल वेट बेयरिंग, वो प्रोटोकॉल आगे हमारा चलता रहता है। तो मैं आपको ज़्यादा प्रोटोकॉल के बारे में तो नहीं बता पाऊंगी कौन सी एक्सरसाइज हम शुरू कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने 90 हॉस्पिटल में पहुँचा दी और पेशेंट घर पे अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है 90 तक, पेशेंट स्टैटिकली वर्क करता है 10 डेज के लिए 7 डेज के लिए ड्यू टू पेन, तो वो उसकी रेंज लॉक हो जाएगी, वो पेशेंट वापस बैक रेंज में चला जाने लगेगा। अगर हम 90 डिग्री 7 डेज के बाद पेशेंट घर जाता है, 90 डिग्री उसकी आ गई है, हमने 90 डिग्री हॉस्पिटल में ऑपरेट करने के बाद 90 डिग्री पहुंचा के हमने वहां भेज दिया, बट वहां पे वो स्टैटिकली वर्क कर रहा है क्योंकि डायनेमिकली अगर वो काम करता है तब उसका मूवमेंट उसकी मूवमेंट से उसकी रेंज ऑफ मोशन से उसको पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर वो 15 डेज 10-15 डेज अगर उसी सिचुएशन में रहता है तो ज्वाइंट के बैक रेंज को बैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 80 डिग्री 70 डिग्री वो जा सकता है क्योंकि धीरे धीरे फिर स्टिफनेस आती रहती है, इसलिए उस टाइम पे भी हमने थोड़ी थोड़ी मूवमेंट शुरू करनी है। क्योंकि फिजियोथेरेपी में तब आई कांट से कि पेन नहीं होता, बट हमें अगर धीरे धीरे एक प्रोसीजर वाइज चले एक प्रोटोकॉल वाइज चले तो बहुत माइल्ड सा पेन और स्ट्रेच लाइक पेन फील होता है, लेकिन अगर हम 15 ऐसा कर लेते हैं कि 15 डेज नो मूवमेंट ओनली स्टैटिकली हम वर्क करते हैं, फिर उसके बाद हम मूवमेंट शुरू करते हैं हमारा टारगेट बनाने के लिए, तो उस टाइम को पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसलिए अगर आप समझ लें ना कि अगर जॉइंट में कम दिन हुए हैं तो हम उसके ऊपर रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेंथनिंग के ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हैं, जितना वो क्रोनिसिटी बढ़ेगी जितना वो लंबा टाइम बढ़ेगा उतनी ही उसकी रेंज लाना और मसल स्ट्रेंथ लाना वही मुश्किल हो जाता है।
तो वैसे केसेस में अगर हम बहुत ज़्यादा डिले कर लेते हैं, फिजियोथेरेपी प्रॉपर तरीके से नहीं करते, तो जो ज्वाइंट की फुल रेंज है वो कभी भी नहीं आ पाती है। तो वो आगे अगर नी ज्वाइंट और बहुत सारे ज्वाइंट से लिंक होता है, लाइक एंकल ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, बैक, तो अगर नी की फुल रेंज नहीं आती है तो पूरा प्रोसीजर, फिर पूरी स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो लेट स्टेजेस में वो साइड इफेक्ट। जैसे कि नी है, इसको नीचे प्रेस करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, तो ये हम आइसोमेट्रिकली वर्क कर रहे हैं क्योंकि इस पेशेंट को सेकेंड डे हुआ है, ऑपरेट का सेकेंड डे है इसको, इसलिए हम इसके ऊपर आइसोमेट्रिकली काम करेंगे। हम नी को नीचे डाउन प्रेस करने के लिए कहेंगे, इसको हम क्वाड्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मेनली हम बोलते हैं, क्योंकि अगर इस टाइम पे हम पेशेंट को छोड़ देते हैं कि मतलब रेस्ट करने के लिए बोलते हैं 3 डे, ये पीक टाइम होता है कि इस टाइम पे हम अगर थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए बाद में थोड़ा इजी हो जाएगा, इसीलिए हम इसकी क्वाड्स आइसोमेट्रिक शुरू कर दिए। हम इसको नी को नीचे प्रेस करने के लिए बोलेंगे और होल्ड करने के लिए बोलेंगे 15 to 20 seconds, देन रिलीज, एंड 10 times करेंगे और 2 times इन अ डे, ठीक है। फिर उसके बाद हम एंकल टो के ऊपर फोकस करेंगे ताकि स्वेलिंग ना हो और एंकल की रेंज ऑफ मोशन भी मेंटेन रहे, क्योंकि जैसे कि एंकल टो है पंजा, इस तरह पंजा चलाएंगे, इसको हम एंकल टो मूवमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद हम हैमस्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं, हैमस्ट्रिंग मसलिटी बहुत ज़्यादा नीचे रहती है, तो हम इसमें टेक एडी को नीचे प्रेस करने के लिए बोलेंगे, तो इसको हैम्स आइसोमेट्रिक बोलते हैं। तो अभी इस पेशेंट में हम ग्लूट्स आइसोमेट्रिक भी शुरू करवाते हैं, दोनों पाँव ये यहाँ से ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे, टाइट करेंगे, तो क्वाड्स, हैम्स, ग्लूट्स और एंकल टो के ऊपर हम सेकेंड डे तक हम वर्क करते हैं। थर्ड डे हम वॉकिंग शुरू करवा देते हैं पेशेंट को, फिर उसके बाद थर्ड डे से ही हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी शुरू कर देते हैं पेशेंट की, लाइक 10 to 15 days फर्स्ट डे, 30 days सेकेंड डे, तो वो धीरे धीरे 7th डे का हमारा 90 degree का टारगेट रहता है, वो हम अचीव